पुष्पा फिल्म से सुपरस्टार बने रश्मिका मंदाना पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। उन्हें कनाडा इंडस्ट्री से बैन करने पर विचार किया जा रहा है। आखिर रश्मिका ने ऐसी क्या हरकत की है कि उन्हें पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैन कर रही है। दरअसल जिस बैनर ने रश्मिका को इतनी बड़ी ब्रांड बनाया, उसी बैनर के साथ रश्मिका का तनाव चल रहा है। और अपने करियर के लिए जब रश्मिका किसी को क्रेडिट देती है तो इस बैनर का नाम भी नहीं लेती है। रश्मिका मंदाना को इंडस्ट्री में रक्षित शेट्टी ने बहुत बड़ा बनाया। रक्षित शेट्टी एक टाइम पर रश्मिका मंदाना का बॉयफ्रेंड भी रहा है। क्रिक पार्टी नाम के फिल्म रश्मिका मंदाना ने की थी और इस फिल्म के बाद रश्मिका मंदाना साउथ इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हो गई और कनाडा के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी वो काम कर रही है। लेकिन जैसे ही रश्मिका स्टार बन गई, उन्हें बॉलीवुड की सुपरस्टार के साथ काम मिलने लगा, वो अपने पुराने लोगों को भूल गए हैं। रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के स्ट्रगल के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि मैं एक सिंपल फैमिली से आती हूँ और मैंने बहुत मेहनत की है इस करियर को बनाने के लिए, लेकिन कहीं भी उन्होंने रक्षित शेट्टी के प्रोडक्शन हाउस या रक्षित शेट्टी का नाम नहीं लिया, जिसके बाद कनाडा फिल्म इंडस्ट्री के लोग नाराज हो गए है कि हमारे यहाँ से निकली हुई स्टार हमें ही क्रेडिट नहीं देती और कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में काम भी नहीं कर रही है, क्योंकि वो ज्यादातर हिंदी फिल्में और दूसरी साउथ की फिल्में ही कर रही है। इस बात से नाराज कनाडा फिल्म इंडस्ट्री आप रश्मिका मंदाना को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में रश्मिका के जो भी फिल्म आने वाली है उसे कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज नहीं किया जाएगा। फिलहाल रश्मिका के बैन पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ऐसे अपडेट्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।